दोस्तों नमस्कार, क्या आप भी अपने बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन आपके राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन रहा है पैसा? तो दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने स्टार्टअप के लिए, आप अपने बिजनेस के लिए कहां से पैसे लेकर के आएंगे। और वो भी सिर्फ पैसे लाना ही नहीं है दोस्तों, उस पैसे को रिटर्न भी नहीं करना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ना ही उस पर इंटरेस्ट देना है और ना ही कोई कोलैटरल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिस अपॉर्चुनिटी से आप बहुत ज़्यादा पैसे अपने स्टार्टअप्स के लिए लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि इस वीडियो में आप अगर कोई भी चीज़ मिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपसे मिस हो जाने वाली है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आनंद कुमार, फाउंडर एंड बिजनेस कोच स्टार्टअप अथॉरिटी, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले इस वीडियो के कंटेंट के बारे में समझते हैं कि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने स्टार्टअप के लिए किस तरह से पैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे पैसे ले सकते हैं, साथ ही साथ वो इक्विटी फंडिंग होती क्या है, वो क्राइटेरिया क्या होता है जिस क्राइटेरिया पे आपको ये पैसा मिलना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि पैसे रेज करने के तरीके क्या क्या हैं, क्या क्या तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पैसे को रेज करने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो पैसे देने वाले लोग हैं उन तक हम कैसे अप्रोच करेंगे, और ये सब के बाद अगर हमारा डील क्लोज हो जाता है तो डील क्लोज कैसे करना है, और डील क्लोज होने के बाद हमें ये इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो किस माइंडसेट के साथ आपके बिजनेस के साथ जुड़ते हैं, ये बोनस टिप होगा जो मैं आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इक्विटी फंडिंग के बारे में कि इक्विटी फंडिंग होती क्या है। तो दोस्तों इक्विटी फंडिंग इन्वेस्टर्स के द्वारा दिया गया पैसा वो पैसा होता है जो बेसिकली प्रोटोटाइप बनाने के लिए किया जाता है। और ये प्रोटोटाइप किस किस तरह की चीज़ों के लिए हो सकता है, ये अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास आइडिया है और एक बेहतरीन बिजनेस कॉन्सेप्ट है और आप उस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे क्योंकि आपके पास पैसे की कमी है, तो ऐसे में ये जो है इक्विटी फंडिंग एक बेहतर ऑप्शन साबित हो सकती है। आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, प्रॉफिटेबल हो चुका है, लेकिन अब आपके पास पैसे नहीं है कि उस बिजनेस को और ज्यादा स्केल कर सके, ऐसे में भी ये चीज आपके लिए कारगर हो सकती है। आपके बिजनेस के अंदर लोगों की सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, बिजनेस प्रॉफिटेबल है लेकिन आप वहां पर सैलरी नहीं दे पा रहे, आपके सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप हो पा रहे, आप अपनी कंपनी को स्टार्ट नहीं कर पा रहे, ऐसे में इक्विटी फंडिंग एक बेहतर रोल अदा करता है आपके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इक्विटी फंडिंग के साथ बेहतर चीज क्या होती है। तो दोस्तों अगर आप बैंक लोन लेने जाते हैं तो बैंक लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, आपको इंस्टेंटली कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है, इसके साथ आपको ईएमआई देना पड़ता है, आपको कोलेट्रल देना पड़ता है, बहुत कुछ देना पड़ता है। लेकिन अगर आप इक्विटी बेस्ड फंडिंग उठाते हैं तो यहाँ पे ना ही आपको कोई कोलेट्रल देना पड़ता है, ना ही कोई इंटरेस्ट देना पड़ता है, ना ही कोई इंस्टेंट पेमेंट करना होता है और ना ही कोई ईएमआई पे करनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि आपके पैसे लेने के बाद भी आपको ये पैसे पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बंदा आपको पैसा दे रहा है वो इस नियति से दे रहा है कि अब वो उसका इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसे निकल के आएंगे दोस्तों उसमें उसको भी प्रॉफिट मिलने वाली है। इसलिए यहाँ पर वो पैसे आपके बिजनेस में डालेगा और उसका टारगेट होगा कि आगे चल के उस पैसे से हम पैसा कमा सकेंगे, इसलिए रिस्क फैक्टर उसके साथ भी होगा, इसके बावजूद भी वो आपको पैसा देगा। अब हम बात करते हैं कि इस पैसे को लेने की क्राइटेरिया क्या क्या होती है, कि कौन से लोग या किस क्राइटेरिया के लोग इस पैसे को ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपकी जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है वो प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। अगर आप ओपीसी रजिस्टर करवाए हैं, पार्टनरशिप रजिस्टर करवाए हैं, डिड रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, इसके बावजूद भी आपको ये लोन नहीं मिलने वाला है, ये फंडिंग आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो आपको ये फंडिंग मिल सकता है। अगर आपको कन्वर्ट करानी है तो इस वीडियो के नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखी है, उस नंबर पर कॉल करके आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं और ये सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन होता है वो होता है स्टार्टअप इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन। आपने देखा होगा कि मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लिया था, अगर आप उसके अंदर रजिस्टर्ड हैं तो आप गवर्नमेंट से भी और प्राइवेट इक्विटी फंड दोनों को ट्राई कर सकते हैं, और दोनों जगह से
अपने बिजनेस के लिए पैसे ले सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हुआ तो मैंने क्राउड फंडिंग के बारे में बात किया था कि क्राउड फंडिंग भी एक तरीका हो सकता है जो आपके बिजनेस में लोन लेने के लिए ऑप्शन साबित हो सकता है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहां पर लिंक दिया गया है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी तरह की समस्या होगी तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि उस प्रॉब्लम का समाधान साथ के साथ दोनों लोग मिलकर किया जाएगा। और तीसरा यहां पर सबसे बड़ी पॉइंट आती है दोस्तों, वो पॉइंट होता है कि आपका बिजनेस मॉडल जो है वो कितना स्केलेबल है। अब यही पे सबसे बड़ा माजरा फंसता है दोस्तों। अगर आपके पास एक आइडिया है जो आइडिया लिमिटेड ऑडियंस के पास जाती है, या एक ऐसा आइडिया है जो आइडिया स्केलेबल नहीं है, जैसे आप एक स्टोर खोल रहे हैं, एक दुकान खोल रहे हैं, तो वो दुकान बहुत ज्यादा एक्सपेंडेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक मॉल खोल रहे हैं और आपका टारगेट है कि आप आने वाले समय में जगह जगह से रिटेल चेन आप डेवलप करेंगे, रिटेल चेन लेकर के चलेंगे, तो ऐसे में आपका ये बिजनेस स्केलेबल होगा। तो आपके बिजनेस में स्केलेबिलिटी होनी जरूरी है, क्योंकि कोई बंदा अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो उसका टारगेट होता है कि आने वाले समय में वो बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो यहां से ग्रैब कर सके, वो यहां से पा सके। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिर ये बिजनेस फंडिंग लेने के क्या क्या तरीके हैं, किस किस तरह के टाइप हैं जहां से आप फंडिंग ले सकते हैं। इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे सीड फंडिंग के बारे में। जैसा कि दोस्तों नाम से स्पष्ट है, सीड मतलब बीज। अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो वहां पर एक बीज, आप अगर पेड़ लगाना है तो आपको बीज डालनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी, उसको नर्चर करना पड़ेगा, फिर जाके एक पेड़ होगा। सिमिलर उसी तरह से आप अगर एक बिजनेस के स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी सबसे पहले सीड फंडिंग की। ये सीड फंडिंग किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ये फंडिंग आपका खुद का पैसा हो सकता है, ये फंडिंग किसी के द्वारा दिया गया पैसा हो सकता है, ये फंडिंग जो है किसी इन्वेस्टर के द्वारा दिया गया फंक्शन पैसा हो सकता है। अब ये जो फंडिंग है ये कौन कौन से लोग आपको दे सकते हैं, तो इसमें जो दे सकते हैं वो हो सकता है कि स्टार्टअप एक्सेलरेटर हो सकता है, कोई स्टार्टअप को एक्सेलरेट करना चाहता है वो दे सकता है। इवन आपका जो आपका इनक्यूबेटर जो होते हैं वो आपके लिए पैसे दे सकते हैं। इसके अलावा एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ रहे हैं या जो बिजनेस कर रहे हैं और उनके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, वो आपके लिए पैसे लगा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं HNI की, यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, वो भी आपके लिए पैसे दे सकते हैं। किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और वो उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है और वो देख रहा है कि ये बिजनेस जो है या ये आइडिया जो है वो सुपर प्रॉफिटेबल है, ऐसे में भी वो आपके बिजनेस के अंदर पैसा डाल सकता है। और इस तरह की फंडिंग को बोला जाता है सीड फंडिंग। और यहाँ पर दोस्तों जो फंडिंग का रेंज होता है वो 10 लाख रुपये से स्टार्ट होता है और ये आगे चलकर 1 करोड़ रुपये तक का जाता है। तो ये दोस्तों बात हो गई सीड फंडिंग की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सीड फंडिंग आखिर देती कौन है। तो दोस्तों सीड फंडिंग देने वाले में वाई कॉम्बिनेटर हो गए, 500 स्टार्टअप हो गया, आपका ZNBA स्टार्टअप हो गया, आपका आई एक्सेलरेटर हो गया, इवन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेलरेटर या टी लैब, इस तरह की तमाम कंपनियां जो है वो स्टार्टअप्स के लिए सीड फंडिंग देने का काम करती है। तो अगर आप इनके से फंडिंग लेना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर के रजिस्टर कर सकते हैं और इनको अप्रोच कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बता सकते हैं और उस बिजनेस के बेसिस पे पैसे ले सकते हैं। जो दूसरा स्टेटमेंट आता है वो होता है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टर्स या वो पर्सन होता है, वो इंडिविजुअल होता है, वो एक कंपनी हो सकती है जो कंपनी के पास बहुत ज़्यादा अथाह पैसे हैं और वो पैसे लगाती है ताकि उस बिजनेस को एक बेहतर मोड पर लेकर के जाया जा सके। और दोस्तों ये होते हैं हाई इंडिविजुअल हो सकता है, और इनका जो टारगेट होता है वो ये होता है कि कोई बिजनेस जिसको सीड फंडिंग मिल चुकी है, या कोई ऐसा बिजनेस जो काफी ग्रोथ जिस बिजनेस के अंदर है या जिस बिजनेस की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, ये अक्सर उसमें पैसा लगाने की कोशिश करते हैं। अगर इसके बात करें तो यहाँ इंडियन एंजल नेटवर्क की बात कर सकते हैं, इवन आप बात कर सकते हैं मुंबई एंजल नेटवर्क की बात कर सकते हैं। अब ये एंजल नेटवर्क होती क्या है दोस्तों? ये एंजल नेटवर्क एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स कोई अपना बिजनेस लेकर के जाता है तो वो डिफरेंट लोगों से उस ग्रुप के अंदर पिच करता है और जिसको ये आइडिया पसंद आता है या जिसको ये समझ में आता है वो आपको पैसा देता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं VC फंडिंग की। VC फंडिंग मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट। और दोस्तों ये लोग जो होते हैं ये काफ़ी स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट करते हैं। स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि इनका जो इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका होता है वो पार्ट वाइज होता है, मतलब ये सीरीज बनाते हैं और वो सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी,
करके फंडिंग देते हैं, चंक ऑफ अमाउंट देंगे, लेकिन वो स्ट्रेटजिक होगा, स्ट्रेटजी के साथ प्रॉपर तरीके से प्लान्ड होगा। और यहाँ पे खास बात ये है कि हर एक सीरीज के साथ इनका जो अमाउंट है वो बढ़ता जाता है। ये हमेशा हर इंडिविजुअल को ये नहीं देते हैं, ये देते हैं दोस्तों उनको जिनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा है, जैसे स्नैपडील हो गया, जैसे अमेजोन हो गया, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, इन तरह के बिजनेस को ये लोग फंडिंग देते हैं। और यहाँ पर आप स्क्वेरिया देख सकते हैं, हाई स्पीड देख सकते हैं, एक्सेल पार्टनर देख सकते हैं, ये सारे के सारे जो है वो वीसी फंडिंग को अलाउ करते हैं या वीसी फंडिंग करते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों पीई फंडिंग, ये जो होता है स्टेज, ये होता है वीसी फंडिंग के बाद, और इस स्टेज तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, तो इसको हम यही ड्रॉप करेंगे। बस आप समझ जाइए कि वीसी फंडिंग के बाद से एक होता है पीई फंडिंग, और इसके बाद से जो सबसे बड़ी फंडिंग आती है वो होता है आईपीओ, यानी कि जहां पे आप पब्लिक से अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए पैसे लेते हैं। और इस आईपीओ का ताजा तरीन एग्जाम्पल अगर आपने जोमैटो को देखा होगा, तो जोमैटो में आईपीओ जोमैटो लेकर के आई थी, क्योंकि जोमैटो को जरूरत थी कुछ पैसों की जो अपने बिजनेस को स्पेंड करने की या बिजनेस को बढ़ाने की, तो वहां पर जोमैटो ने भी आईपीओ लॉन्च किया। पहले इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आईपीओ लाना बहुत आसान था, लेकिन आज के समय में हर कोई आईपीओ ला सकता है अगर वो 2 साल पुरानी कंपनी है और प्रॉफिटेबल है। तो ये सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से बहुत कुछ इसमें आता जाता रहता है, तो आगे चलकर आप इसको भी देखेंगे। लेकिन अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम इन्वेस्टर्स को अप्रोच करते हैं तो कैसे करते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टर को अप्रोच करने से पहले आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें से सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो आपके 5 साल का बिजनेस प्लान आपके पास रेडी होना चाहिए, जैसे कि उस बिजनेस में सेल्स एंड मार्केटिंग, रेवेन्यू ग्रोथ, कंपटीशन, मार्केटिंग कैसे होगा, ग्रोथ, प्रॉफिट कैसे होगी, इन तमाम तरह की चीजों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और सिर्फ जानकारी ही नहीं, इसका पूरा लेआउट प्लान होना चाहिए, ताकि आज जो बिजनेस है आपका, आज के 5 साल के बाद वो बिजनेस कहां से स्टैंड करेगा, उसकी फोरकास्टिंग जो होगी वो आपके पास बिल्कुल तैयार होना चाहिए। इसके बाद से जो दूसरा पॉइंट आता है वो पॉइंट होता है इन्वेस्टर डेक। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इन्वेस्टर डेक के बारे में कि इन्वेस्टर डेक होता क्या है। इन्वेस्टर डेक मतलब होता है कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आप जो है अपने पूरे बिजनेस की हिस्ट्री, पूरे बिजनेस की प्लान, स्ट्रेटजी, मार्केटिंग, ग्रोथ, हर चीज, कंपटीशन, हर चीज आप शेयर करने वाले हैं उस बंदे को, जिस बंदे से आप पैसा लेने जा रहे हैं। तो इन्वेस्टर डेक की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और इसको आपको बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है। ये वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको इन्वेस्टर डेक या इस तरह की तमाम चीज़ों के बारे में आगे को जाननी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट आता है दोस्तों कि जब भी आप इन्वेस्टर से बात करते हैं तो इन्वेस्टर आपसे पूछता है 3 क्वेश्चन कि आपको पैसे की जरूरत क्यों है, दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि आपको कितना पैसे चाहिए, और तीसरा जो क्वेश्चन आता है कि आप इस पैसे को यूज कैसे करेंगे। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं पैसे लेने की, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास आपके उंगलियों पे होना चाहिए, कि मतलब कोई भी पूछे तो आप अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर पाए, बता पाए। अब हम बात करते हैं कि आखिर इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों इन्वेस्टर्स को अप्रोच करने के कई सारे तरीके हैं। वैसे तो आप किसी नेटवर्क के साथ जोड़ करके इन्वेस्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप उनके प्रोफाइल पर सोशल मीडिया, लिंक्डइन, ट्विटर, आप हर जगह पर जाकर के इन्वेस्टर्स को सर्च कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स चाहिए, सीड फंडिंग चाहिए, या जिस तरह की फंडिंग की आपको ज़रूरत है आप वहाँ पर उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको मेल कर सकते हैं, उनसे ट्राई कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेने की, उनसे बातें कर सकते हैं और उनसे टाइम लेकर के अपने बिजनेस प्लान के बारे में उनको डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर उन्होंने टाइम दे दिया तो फिर ये सीन जो होता है वो एक तरह से सेल्स एंड मार्केटिंग का स्टार्ट हो जाता है। आपको कॉल करना होता है, उनको समझाना होता है, उनसे सेल करना होता है। अब जैसे ही आपका बिजनेस क्लोज हो जाता है दोस्तों, जैसे ही आपका ये जो वार्ता क्लोज हो जाती है, तो आप आ जाते हैं रेडी स्टेट में, यानी कि डील को क्लोज करने के समय में। अब इस डील को क्लोज करते समय भी आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें से पहला होता है वो होता है टर्म शीट। टर्म शीट आखिर क्यों? तो उसमें बुलेट पॉइंट के बेसिस पर कुछ टर्म्स होगा जो एंजल इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर्स होगा वो आपको शेयर करेगा, जैसे आपके बिजनेस में कितना इक्विटी होगी, किस तरह के कंडीशंस होंगे, क्या टर्मिनोलॉजी होगी, वो तमाम चीज़ें वहाँ पे डिस्कशन होगी। डिस्कशन होने के बाद से आपका बनता है वो होता है शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट,
यानी कंपनी के साथ और उस बंदे के साथ, या कंपनी के साथ या उस कंपनी के साथ जो पैसे आपके कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, उनके बीच में शेयर होल्डिंग के टर्म्स बनते हैं। और ये शेयर होल्डिंग के टर्म्स कुछ इस तरीके से होते हैं दोस्तों कि जहाँ पे हर चीज़ के बारे में काफ़ी तरह से जानकारी जो है वो दी गई रहती है। और जैसे दोस्तों ये सारी चीज़ें हो जाती है, कंपनी के तरफ से यानी उस इन्वेस्टर की तरफ से आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और आपके बिजनेस के लिए पैसे आपके पास आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले बिजनेसमैन या इन्वेस्टर किन पॉइंट्स को फोकस करता है या किस पॉइंट को वो जानना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात सबसे खास है कि कोई भी बंदा आपके बिजनेस के अंदर अगर पैसा लगाना चाहता है तो वो बिजनेस के अंदर पैसा क्यों लगाना चाहेगा, तो उसको जो तलाश होती है वो होती है सबसे बड़ी एक बिजनेस टीम की। और ये टीम कैसा होना चाहिए कि जो बंदा इस आइडिया को लेकर के आया है, क्या वो कैपेबल इनफ है वो पैसे लगा दे? तो ऐसा तो नहीं है संभावना कि वो पैसे लगा दिया और उसको पता ही नहीं है कि काम क्या करना है, ऐसे में दोस्तों वो बंदा पैसा नहीं लगाएगा। तो आपकी जो टीम है या जो टीम इस बिजनेस को ऑपरेट कर रही है, उस टीम को एक्सपर्टीज रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वो अगर एक्सपर्टीज रखता है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो बिजनेस है वो काफ़ी तेज़ी से ये पैसे जो है वो आपके बिजनेस के अंदर आने वाली है। और दूसरा जिसके बात मैंने पहले भी करी थी वो होती है स्केलेबिलिटी, कि आपका बिजनेस स्केल करने वाला है कि नहीं, जिसके बारे में मैंने बात कर ली है। टेक्नोलॉजी, क्योंकि कई बार टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप जैसे फिनटेक स्टार्टअप हो गया, टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हो गया, इवन जोमेटो फूड टाइप स्टार्टअप हो गया, फूडटेक स्टार्टअप हो गया, ये जितने भी तरह के स्टार्टअप्स हैं, इन सारे स्टार्टअप्स को जरूरत पड़ती है एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी की। क्योंकि आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आप जो टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, अगर वो कैपेबल इनफ नहीं है तो आपका बिजनेस स्केल ही नहीं हो पाएगा। कभी वो डेटा मैनेज नहीं होगा, कभी टीम मैनेज नहीं होगा, बहुत कुछ हो सकता है प्रॉब्लम जिसकी वजह से भी आपकी चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए वो इस पर भी ध्यान देता है। इसके बाद से चीज़ होती है थर्ड, और वो होता है कि कंपटीशन। किसी भी बिजनेस के स्टार्ट इस दुनिया के अंदर होगा तो कंपटीशन एनालिसिस होगी, और अगर कंपटीशन एनालिसिस होगी तो उस कंपटीशन इंडस्ट्री के अंदर कोई ऐसा मार्केट प्लेयर तो नहीं है जो ये बिजनेस ग्रो होने के साथ ही आपको खा जाएगा, तो इसकी भी एनालिसिस किया जाता है। और ये जब सब कुछ एनालिसिस हो जाती है तो लास्ट में आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि वो कितना इन्वेस्ट करेगा और आपने जो डेक बनाई थी या आपने जो बिजनेस प्लान दिया था उस बिजनेस प्लान के हिसाब से कितना प्रॉफिट जो है वो जनरेट हो सकता है। और ये तमाम चीज़ों को करने के बाद से आपके अकाउंट में पैसे आएंगे और आप इस पैसे से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो मिल गई होगी। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा अपने व्यूज़ को, अपने पॉइंट्स को, और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी तो आप उसे जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय भारत।